एनटीपीसी पाइपलाइन के निकट मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। जी आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां तहसील ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा गांव के निकट से गुजरने वाली एनटीपीसी की पाइपलाइन के किनारे एक अज्ञात 30 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से ऊंचाहार पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। शव की स्थिति और खून से लथपथ चेहरे के साथ साथ धारदार हथियार से किए गए चोट के निशान को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और यहां पर लाकर फेंक दिया गया है। फिलहाल शिनाख्त की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा रहा है और खबर लिखे जाने तक युवक के बारे में कोई शिनाख्त नहीं लग पाई है। और अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हर थाने पर फोटो भेज शव की शिनाख्त करवाई जा रही है। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट। सर, एक शव मिला है यहाँ पे, आज क्या मामला था? आज सवेरे जो है एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि ये नेशनल हाईवे जो हमारा जा रहा है इलाहाबाद की तरफ, उससे थोड़ी दूर पर एक शव जो है अंदर एक सड़क कटी हुई है उस पर मिला है। इस सूचना पर हमारे इंस्पेक्टर ऊंचाहार तत्काल मौके पर पहुँचे। फोरेंसिक साइंस की टीम भी यहाँ पहुँच गई है और उन्होंने इसका मौका मुआयना किया और उस पर चोट के निशान हैं जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और पूरी जानकारी के लिए कि क्या मृत्यु का कारण है और किन चोटों से उसकी मृत्यु हुई, पंचायतनामा भरा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सर, शव की शिनाख्त हो पाई है क्या? सर, अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसकी फ़ोटो खिंचा के आसपास के थानों पर सब जगह दिखाया जा रहा है और जो हमारे पास अज्ञात शव को शिनाख्त करने के लिए यूनिफाइड पोर्टल और CCTNS के जो पोर्टल हैं उन सब पे उसको डाला जा रहा है। शीघ्र ही शव की पहचान करके फिर आवश्यक। सर, चोट के निशान क्या क्लियर हो पाए हैं किसी चीज़ के? अभी ये चीज़ तो कहना जल्दबाजी होगी, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक स्पष्ट नहीं होता। सर, कुछ तो धारदार हथियार या बुलेट के निशान अभी कुछ भी इस संबंध में नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर की ओपिनियन। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है और हमारे बगल में खेत है और पाइप लाइन का रास्ता है और पुलिस भी आई हुई है। लाश को जो है कोई शिनाख्त नहीं लग रहा है। अच्छा, तो कैसे मतलब कैसे क्या घटना घटी, कुछ जानकारी? नहीं नहीं, कोई ये जानकारी कुछ नहीं है। ला करके फेंकी गई है कि क्या है, पर यहाँ तो फेंकी ही गई है। अच्छा। अगर और बाकी कुछ भाई मारपीट भी होती है तो आदमी जानता भाई, अगल बगल लोग सभी रहते हैं और रोड भी चलता है, ऐसा नहीं है।